अपने स्वर के माध्यम से और उसके महत्व के चलते अपने नाम से भी आज के समय में लता जी का नाम और लता जी का स्वर भी संपूर्ण देश को जोड़ने वाला एक फैक्टर था। और इसलिए स्वाभाविक है जब उनका नाम लेते हैं तो सबको एक तो याद आता है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, इसको सब लोग याद करते हैं। और आज अपने व्याख्यान का विषय भी है, सरहद पर मरने वाला हर वीर है भारतवासी, सरहद के अंदर जीने वाला हर वीर एक देश का वासी, एक समाज का अंग है कि नहीं है, और वैसा वो हो इसलिए क्या करना पड़ेगा। और चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मुझे सरसंघ चालक बना दिया गया है, तो लोग स्वाभाविक प्रश्न करते हैं कि हिंदुत्व का इससे क्या संबंध है, हिंदुत्व इसमें साधक है कि बाधक है। और बहुत सारे प्रश्न विजय बाबू ने बताए, आज के भाषण में मैं प्रश्नों के उत्तर देने वाला नहीं हूं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर, प्रश्न पूछने वाला कौन है, क्यों पूछ रहा है, ये समझ के देना पड़ता है, तब उसका समाधान होता है। तो उसका एक अलग कार्यक्रम हो सकता है कभी न कभी, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता इस विषय का प्रतिपादन करने के पहले मैं कुछ शब्दों का उच्चारण किस अर्थ में करता हूं वो स्पष्ट करना चाहता हूं। और पहला शब्द है हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व क्या है, और जो सारे प्रश्न आए उसमें हिंदुत्व क्या नहीं है वो ध्वनित हो रहा था। हिंदुत्व कोई इज्म नहीं है, हिंदुत्व का सीधा अंग्रेजी भाषांतर हिंदूनेस होता है। इज्म अब उसका मूल अर्थ क्या है वगैरह पता नहीं, विद्वानों का विषय है, लेकिन उसका जो रूढ़ अर्थ है वो एक बंद बात रहती है, एक कल्पना रहती है, उस कल्पना को आपको साथ में रखना है, उसके साथ होना है, तो उस कल्पना के साथ आपको एडजस्ट होना पड़ता है। हिंदुत्व ऐसा नहीं है, हिंदुत्व को साथ रखने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले हर व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका विकास किया है और आज भी उनके द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्ण इसके बारे में कहते हैं बहुत अच्छे शब्दों में, कैसा है हिंदुत्व, देयर हैज बीन नो सच थिंग एज ए यूनिफॉर्म स्टेशनरी अनअल्टरेबल हिंदुइज्म। अब उनके जमाने में हिंदुइज्म शब्द का ही प्रयोग होता था, लेकिन वास्तव में उनको कहना हिंदूनेस है, क्योंकि इज्म कोई है नहीं, यूनिफॉर्म स्टेशनरी अनअल्टरेबल कुछ नहीं है, और इज्म की ये सब प्रॉपर्टीज रूढ़ार्थ में है, वेदर इन पॉइंट ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस। हिंदुइज्म इज ए मूवमेंट नॉट ए पोजिशन, ए प्रोसेस नॉट ए रिजल्ट, ए ग्रोइंग ट्रेडिशन नॉट ए फिक्स्ड रिवल्यूशन। इट्स पास्ट हिस्ट्री इनकरेजेस अस टू बिलीव दैट इट विल बी फाउंड इक्वल टू एनी इमरजेंसी दैट द फ्यूचर में थ्रो अप, वेदर इन द फील्ड ऑफ थॉट और ऑफ हिस्ट्री। अब ये वाक्य लिखने के पहले उन्होंने जो सारा पैराग्राफ लिखा है उसमें उन्होंने हिंदुत्व के इस नित्य परिवर्तनशील स्वरूप का एक आरेखन किया है प्राचीन समय से, वेद पूर्व काल से लेकर, तो और उसमें उन्होंने सबको लिया है, उसमें भगवान महावीर है, तथागत बुद्ध है, गुरु नानक जी है, कबीर है, और आपकी जानकारी के लिए सावरकर जी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका उच्चारण करने वाला पहला व्यक्ति नहीं है, पहला संगठन नहीं है। लोक भाषा में सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने इसका उल्लेख किया है, उसके पहले रचे गए हमारे पुराणों में यानी बौद्धिक ग्रंथों में, इंटेलेक्चुअल्स में इसका उल्लेख मिलता है, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते।
और उसके पहले कहा जाता है कि ये हमारा जो नाम था हिंदू, ये तो बाद में आया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, वेदों में तो नहीं है, कुछ लोग उसके भी प्रमाण देते कि है, लेकिन सामान्यता ये माना जाता है। तो आया कैसे, तो वो पारस में जरतुष्ट ने अपना परिचय दिया, वहां गुरु बनने के बाद हमारे गुरु का परिचय क्या है, हमारा 3 मिनट तक परिचय कराते रहे, उनका कितना किया होगा। तो पूछा गया तो उनको ये पता नहीं था कि परिचय क्या होता है, मैं आदमी तो हूं। तो फिर उन्होंने बताया, अपना ठिकाना बताया कि हमारे पूर्वज वो किर्गिस्तान से गए थे, लेकिन उनके पूर्वज सिंधु नदी के पास से वहां गए थे, तो वो उन्होंने बताया। तो सिंधु नदी के पास के हिंदू, तो हमारा गुरु हिंदू है, ऐसा उन्होंने कहना प्रारंभ किया। जो इसराइल के व्यापारियों को पता चला, वो व्यापार करने हमारे पश्चिम किनारे पर आए और वहां उन्होंने हिंदू व्यापारियों को बताया कि आप लोग हिंदू हो, तब उनको पता चला कि हमें हिंदू भी कहा जाता है। ऐसा बाहर से आया शब्द है लेकिन अभी चिपक गया है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ कोई बंद चीज नहीं है, यह सदा परिवर्तनशील, अनुभव से बदलती है, लेकिन इसके शाश्वत तत्व है। और इसलिए एक बात और समझनी पड़ेगी, हिंदुत्व के नाम पर आज जो हम उसका अर्थ भूलकर करते वो सब हिंदुत्व नहीं है। मन वचन कर्म से सात्विक उद्देश्य मन में लेकर, या कोई राजस स्वार्थ मन में लेकर, या कोई तमस शत्रुता मन में लेकर जो अतिवादी विधान होते हैं, जैसे धर्म संसद के बाद एक विधान बाहर आया, वो हिंदू वचन, हिंदू कर्म, हिंदू मन नहीं है। तेईस में आकर एकाध बार अपना संतुलन खोकर मैंने भी कुछ बोल दिया तो वो मेरी गलती है, वो हिंदुत्व नहीं है। संघ या वास्तव में हिंदुत्व का पक्ष लेकर चलने वाले लोग इसको नहीं मानते। स्वयं सावरकर जी ने एक बार कहा है, क्या हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज संगठित, शस्त्र संपन्न और बल संपन्न जब हो जाएगा तो उसके बाद भी बात वो गीता की ही करेगा, दूसरे को समाप्त करने की नहीं करेगा।